हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग फिर से बनाने वाले हैं म्यूटेंट निंजा टर्टल। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, हमने पिछले वीडियो में भी एक टर्टल बनाया था और आज हम लोग एक और टर्टल बना रहे हैं। अगर आपको पता होगा, अगर आपने सीरीज़ देखी होगी या फिर इस टर्टल की, निंजा टर्टल की अगर मूवी देखी होगी, तो इसमें टोटल 4 कैरेक्टर्स थे जिसमें से एक हमने ड्रॉ कर लिया है। उस कैरेक्टर का नाम आपने मुझे अभी तक कमेंट करके नहीं बताया है। अगर आपको पता है, अगर आपने वीडियो नहीं देखा हो तो प्लीज़ जाके पहले वो वीडियो देखें और उस टर्टल का नाम मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। देन उसके बाद हम लोग इस टर्टल को ड्रॉ कर रहे हैं। ड्रॉ करने के बाद वही हम लोग कलर करेंगे। जैसे बात करते हैं हम लोग इन निंजा टर्टल्स के बारे में, जब मैं इनको देखता था बचपन में तो मेरे को इनके नाम याद नहीं रहते थे। तो इनको इनके फेस पर जो पट्टियाँ बनी रहती थी, जो इनके गॉगल्स होते थे, जैसे कपड़े के जो पट्टियाँ बनी रहती थी, मैं इनके नाम से इनको जानता था। जैसे किसी की ब्लू रहती थी, किसी की पर्पल है, किसी की रेड थी, जैसे इसकी ब्लू है, एक ऑरेंज वाला भी है शायद। तो आने वाले वीडियोस में हम वो दो कैरेक्टर्स भी बनाने वाले हैं। इस वीडियो के बाद दो कैरेक्टर्स वो भी आने वाले हैं। अगर आपको पता होगा, अगर आपने मूवी देखी होगी ये वाली, तो इसके अंदर कुछ साइंटिस्ट एक लैब में इन टर्टल्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं। शायद वो इमोर्टल होने की कुछ मेडिसिन या कुछ दवाइयाँ बनाते हैं इसलिए। और फिर उसके बाद अगर मूवी अगर आपने देखी होगी, जैसे मुझे थोड़ा सा ध्यान है, थोड़ा सा ब्लर है, उनके लैब में कुछ ब्लास्ट हो जाता है, कुछ आग वाग लग जाती है, कुछ लड़ाई वगैरह हो जाती है। तो उसमें एक साइंटिस्ट होता है, उसकी एक लड़की रहती है, वो इन 4 टर्टल और उनके साथ एक चूहा रहता था, उनको उठा कर सेफली कहीं पर छोड़ देती थी। फिर धीरे धीरे, मतलब ऑलरेडी उन्होंने इन टर्टल्स और इन चूहों के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर चुके थे। जैसे जैसे टाइम बीतता ये बड़े होते जाते थे, इनमें पावर्स आते जाते रहती थी। हाँ, तो जैसे धीरे धीरे बड़े होते जाते थे, इनमें पावर्स और ज़्यादा इंक्रीज होती रहती थी, और इन्हें ऐसे कुछ भी चोट लगती थी तो वो जल्दी हील हो जाती थी, हालांकि इनको लगती नहीं थी। अच्छा, आप लोगों में से कितने लोगों ने मूवी देखी है? अगर ये मूवी नहीं देखी है तो प्लीज़ सबसे पहले मूवी देखना। मूवी में एक्शन भी काफ़ी तगड़ा है और मूवी कॉमेडी भी बहुत है। इसके अंदर एक कैरेक्टर है, शायद यही वाला, नहीं वाला नहीं है, इसके पहले वाला जो कैरेक्टर है जो हमने बनाया था, वो बहुत फनी है शायद उसमें। और एक कैरेक्टर है जो बहुत ज़्यादा, मतलब गुस्से वाला रहता है। तो आप लोग ये मूवी ज़रूर देखना और एक बार मुझे स्टोरी भी बताना, अगर ये स्टोरी थोड़ी बहुत अगर मैच होती हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और आने वाले टाइम पे आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो मिलते रहेंगी। और अगर आपका भी कोई फेवरेट कार्टून कैरेक्टर हो या एनिमे सीरीज में से कोई एनिमे कैरेक्टर, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, हम लोग उसको भी ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।